मेरे चैनल एजुकेशन टॉक्स विद अब्बास को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें। रब्बी शरहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन सुम्मा आमीन। डियर फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन टॉक्स विद अब्बास। तो दोस्तों, हमने जो है क्लास 11th का हमने जो केमिस्ट्री का सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ है, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और इस शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। अगर आप 90 प्लस मार्क्स गेन करना चाहते हैं इस सब्जेक्ट में, तो जो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ जो हैं मिलती रहें। और मैंने इस चैप्टर पर पूरी चैप्टर पे इसको वीडियोस बना दी हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आप जो हैं इसमें कॉन्सेप्चुअल स्टडी करना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, तो आप ये मेरे ये जो हैं इसको प्ले लिस्ट को ज़रूर देखिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोलर वॉल्यूम। अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस चल रहे हैं हम, तो इसमें जो हम प्रीवियस वीडियोस आप सारी देख लीजिए अगर आप चाहते हैं कि इसमें जो है अच्छे नंबर लें। तो इसमें जो क्वेश्चन हमारा है बोर्ड इंपॉर्टेंस के लिहाज से, डिफाइन मोलर वॉल्यूम विद एग्जांपल। और क्वेश्चन जो टू है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई ईच गैस हैज डिफरेंट मैसेज इन वन बट सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो आज लेक्चर स्टार्ट करते हैं, शॉर्ट लेक्चर आज का। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हमारा मोलर वॉल्यूम है। अब मोलर वॉल्यूम बेसिकली होता क्या है? वन मोल ऑफ एनी गैस एट STP। अब हमने गैस का मोल के बारे में मैं आपको बहुत ही डीपली स्टडी कर चुके हैं हम प्रीवियस लेक्चर में, आपको सुन लीजिएगा। तो ये मोलर वॉल्यूम, मोल का आपको पता है, वन मोल किसे बोलते हैं? मैस इन ग्राम और मोलर मैस। अब अगर किसी भी गैस का अगर एक मोल है वो STP पे है, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर उसका और प्रेशर है, ऑक्यूपाइज इतना वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई करेगा, 22.414 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करेगा। इसे हम बोलते हैं, दिस जो ये जो इस वॉल्यूम को हम बोलते हैं, इस कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। अब STP क्या होता है? इस स्टैंडर्ड टेम्परेचर है और प्रेशर है। टेम्परेचर इसका 0 डिग्री सेल्सियस टू 32, या हम इसे फारेनहाइट में लिखें, केल्विन में लिखें तो 273, और प्रेशर क्या होना चाहिए? 180 या 101.325 किलो पास्कल में, ये हम बोलते हैं STP। और जो मोलर वॉल्यूम ये 22.414 तब होगा, ये इंपॉर्टेंट MCQs भी है, जब आइडियल गैस हो। आइडियल गैस से मुराद किया जो जो ओबे करे लास्ट को, जो हमने 9th में पढ़े थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ को ओबे करे, तो फिर हम उसे बोलेंगे कि उस जो गैस के एक मोल का वॉल्यूम इतना है। सो एग्जांपल के आप समझ लें, जिस तरह हमने पीछे हमने पढ़ा था कि अगर हम हमारे पास 2 ग्राम, अगर हमारे पास 2 ग्राम्स हाइड्रोजन के हैं H2 के, तो हमारे पास 1 मोल ऑफ H2 होगा। अगर 1 मोल H2 होगा, 6.02 × 10²³ मालिक्यूल्स होंगे। ये पूरा हमारा कॉन्सेप्ट है, मालिक्यूल्स, मोल्स, उसके बाद हमने एवोगैड्रो नंबर पढ़ा। तो अगर ये जो 6.02 × 10²³ मालिक्यूल्स, वो उसका वॉल्यूम कितना होगा? उसका 22.414 डेसीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम होगा। मतलब अगर हमें यहाँ पे, अगर हमारे पास हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं अगर हमें मोल दिया हो। दूसरी एग्जांपल देख लीजिए, 16 ग्राम ऑफ मीथेन जो है 1 मोल ऑफ मीथेन के बराबर है, और 1 मोल ऑफ मीथेन 22.414 डेसीमीटर क्यूब के बराबर है। अगर आपको डेफिनेशन आती है तो डेफिनेशन लिखेंगे, अगर ये आपको MCQ से आते हैं तो यहाँ से आप लिख सकते हैं और साथ एग्जाम्पल दे देंगे। सो क्वेश्चन टू की तरफ मैं चलते हैं। तो क्वेश्चन टू जो है, व्हाई ईच गैस हैज डिफरेंट मैसेज। अब हर गैस का डिफरेंट मैस होता है, ठीक है? हाइड्रोजन का 2 जो मैस होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो इस सॉरी ऑक्सीजन का 32 होता है, तो मोल्स बट सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स इसके क्या होते हैं? सेम होते हैं, मतलब देखा हमने पीछे ना, इसके मॉलिक्यूल सबके सेम थे, देखें इनके मॉलिक्यूल भी सेम है, इनके मॉलिक्यूल भी सेम। सेम क्यों होते हैं मॉलिक्यूल्स? वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसकी रीजन क्या है? बिकॉज द वॉल्यूम इज नॉट अफेक्टेड बाय देयर मैसेज एंड साइज। क्योंकि जो हमारा वॉल्यूम है वो मैसेज पे डिपेंड नहीं, मैसेज को अफेक्ट नहीं करता, ये मैस उसे अफेक्ट नहीं करते, साइज वगैरह। अब इसकी डायमीटर आप हम देख लेते हैं, आप समझ रहे होंगे सर मैथ पढ़ाने शुरू हो गए हैं, लेकिन नहीं, इसका आप जो कंसेप्ट मैं थोड़ा आपको देना चाहता हूँ। अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द बॉडी। अगर सर्कल आपके पास है, एक आपके पास एटम है, ये मॉलिक्यूल है, उसमें से जो आप इसका डायमीटर जो अगर हम लें, तो इसका हम क्या हमें स्टडी करके बताता है कि गैसेस में जो डिस्टेंस होता है मॉलिक्यूल के दरमियान, वो 300 times greater than
टाइम इटर होता है, इतना ज्यादा उनके अंदर डिसनेस है। तो इसमें जो है हमारे जो है इसमें अफेक्ट नहीं करते कि डिफरेंस मैथ्स हैं, ठीक है, ईच जैसे डिफरेंट मैथ्स बट सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो इसमें हमारे जो है मैसेज डिपेंड नहीं करते। तो आपका ये बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट है, आंसर में अगर आप ये क्वेश्चन आए बोर्ड में आता भी होता है तो आप रीजन लिख सकते हैं। तो अगर आपको ये पसंद आई वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि मेरी मोटिवेशन बढ़े और मैं आपके लिए पूरी बुक की इस तरह मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊं कि जो आपके सामने हो। आप इसे ज़रूर लिख के देखा करें ना इसे आप कॉपी पे, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आज हमने सीखा मॉडल वॉल्यूम कि हमने जो है इसमें डिफाइन किया और एग्जाम्पल दी साथ, और वाई ईच गैस हैज डिफरेंट मैसेस। अगली वीडियो जो हमारी है वो इस पे इसकी जो है न्यूमेरिकल की है, क्योंकि इस चैप्टर में से एक न्यूमेरिकल आने वाला है। तो आप मेरी अगली वीडियो भी लाजमी देखें, पूरे इस जो प्ले लिस्ट को आप लाजमी देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।